1 दिसंबर से भैया, ये 2023 से भैया, पूरा का पूरा जो इमिग्रेशन में जो स्टूडेंट वीजा का पूरा प्रोसेस चेंज होने वाला है भैया। और ये जो हमारे यहाँ पे जो फोटो है भैया, वो हमारे यहाँ के इमिग्रेशन मिनिस्टर मिस्टर मार्क मिलर भैया। और ये रूल की बहुत जरूरत थी बहुत लॉन्ग टाइम से भैया। ये एजेंट बहुत बेचारे नादान लोगों को भैया उल्लू बना के क्या करते थे, अपने ऑफिस के पिछवाड़े में जाके भैया कलर प्रिंटर पे यूनिवर्सिटी का फेक लेटर दबा के भैया और फी हड़प लेते थे। और इसमें से भैया ये समर में क्या हुआ, 100 जिले विद्यार्थी थे भैया यहाँ पे आए, फिर उनको मालूम पड़ा कि ये इनका एक्सेप्शन लेटर ये पूरा का पूरा फ्रॉड था भैया। और उन्होंने 103 या 107 जैसे ये पूरा विद्यार्थियों का तपास किया, उसमें से भैया 40% तो स्कीम में थे, बाकी जो 60% वो बेचारे विक्टिम थे भैया। तो उन्होंने क्या किया भैया, हमारा जो मार्क मिलर है ये इमिग्रेशन मिनिस्टर है, उन्होंने भैया अभी से क्या पूरा प्रोसेस चेंज हो गया पड़ा जाएगा 1 दिसंबर से, कि जो भी यूनिवर्सिटी अपने बच्चों को एडमिशन देगी भैया, तो यूनिवर्सिटी को पर्सनली भैया इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को ये हर एक एडमिशन अपने उसको कंफर्म करना पड़ेगा कि भैया रामबाई पटेल को यहाँ पे उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है, ताकि जो फ्रॉड इमिग्रेशन लेटर वाले, नहीं तो फ्रॉड एडमिशन लेटर वाले, फ्रॉड एक्सेप्टेंस वाले सब साइड में हो जाएगा। अगर आपका एडमिशन हुआ भैया तो सीधा आपको इमिग्रेशन वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी वाले बारो बार बता देंगे भैया। तो क्या ये आप बहुत जरूरी था, और ये 1 दिसंबर से ये रूल अप्लाई हो जाएगा भैया। और आजकल हर लोग भैया कनाडा आने की सोच रहे भैया, तो आपका कोई फ्रेंड नहीं तो कोई फैमिली वाला स्टूडेंट वीजा पे कनाडा का प्रोसेस करने वाला भैया, तो उनको ये वीडियो शेयर कर देना, तो ये बता मालूम पड़े कि अभी जो एजेंट जो लेटर देता था वो तो ठीक है भैया, लेकिन एजेंट के अलावा जो जो यूनिवर्सिटी में होगा वो यूनिवर्सिटी बारो बार उसका लेटर भैया उसको ना यूनिवर्सिटी आपके एडमिशन एक्सेप्टर लेटर से भैया आपको इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट उसको उसको कंफर्म करना पड़ेगा। और इस न्यूज की लिंक मैं आपको यहाँ पे वीडियो में नीचे में कमेंट बॉक्स में भी दे देता हूँ भैया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दे देना भैया, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करना भैया। वीडियो देखने के बहुत बहुत शुक्रिया आपका, परदेसी भाई का, आपको यहाँ से मेरा सलाम।